स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग पे। और आज हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ये हमारा रानी की खेत का बहुत ही प्राचीनतम स्थल। यहाँ पे हमारे कुछ पुरुष वर्ग के लोग काफ़ी बैठे रहते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रानी खेत के गैस ऑफिस के सामने है। यहाँ पे आपको हर प्रकार के नशे करने वाले लोग मिल जाएंगे। बस दुर्भाग्यवश हम अभी थोड़ा बारिश में फंस गए तो हमें यहाँ पे खड़ा होना पड़ा। और यहाँ से जो नज़ारा देखने को मिलता है वो काफ़ी मनमोहक है। अपने आप में आप देख सकते हैं कि हिमालय का दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है। बट आज कुछ कारण बस बादल लगे हैं तो आपको हिमालय नहीं दिख सकेगा। लेकिन जो यहाँ पे से कॉलोनी और जो एक मनमोहक दृश्य है, जो कि बाहर के लोग इस ऐसे दृश्य को देखने के लिए तरसते हैं। हम पहाड़ के जो लोग हैं, मतलब हमें वी शुड थैंकफुल टू द गॉड कि हमें इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। हम ऐसी बहुत सी सही जगहों पर रहते हैं, नहीं तो बाहर के लोग ऐसी जगहों पर आने के लिए तरसते हैं और अपना एक बहुत ही अच्छा बजट का पैसा खर्च करते हैं। तो ऐसे पेड़, ऐसी हवा और ऐसा मौसम, आप मानेंगे नहीं कि मतलब मई आने वाला है और हम यहाँ पे स्वेटर पहने हुए हैं और काफ़ी ठंड है यहाँ पे। मतलब मई के मौसम में यहाँ पे आपको दिसंबर की कड़कड़ाहट, हड्डी को कड़कड़ा देने वाली ठंड देखने को मिलेगी और ये काफ़ी मनमोहक दृश्य। तो अगर कोई भाई बहन चाहे तो इस मौसम में चाय वाई आलू के गुटके खा सकता है। बढ़िया यहाँ पर रजाई के अंदर होने का हो रहा है। लेकिन हम तो थोड़ा बाज़ार के शहर पर निकले थे, तो फिर अब हमारे ये मित्र आपको पीछे देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे नेवी में कार्यरत है हमारे मित्र, हमारे बचपन के साथी हैं। ये सहपाठी भी हुए हमसे क्लास छोटे, तो ये भी आए हुए हैं। तो हम थोड़ा सोच रहे थे बाज़ार की सैर कर लें, लेकिन दुर्भाग्यवश बारिश कुछ तेज़ होने के कारण हमें यहाँ पे थोड़ा विराम करना पड़ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है और काफ़ी ठंड का मौसम है। यहाँ पे अप्रैल के महीने में अप्रैल एंड चल रहा है, लेकिन काफ़ी ठंड है। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि रानीखेत में आजकल पिछले एक दो महीने से पानी की काफ़ी किल्लत हो रही है। तो ये बारिश से ऐसा रहेगा कि पानी की थोड़ी किल्लत दूर हो जाएगी और एक मौसम साफ हो जाएगा। जो भी गर्मी, मतलब जो यहाँ पे ह्यूमिडिटी हो रही थी, उससे थोड़ा राहत मिलेगी। लेकिन हमारा रानीखेत एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब आप अगर बाहर से आ रहे हैं, अगर आप यूपी या दिल्ली या किसी और स्टेट, राज्य या कहीं से भी आ रहे हैं बाहर से, तो आप कभी ये ना सोचिए कि जून जुलाई या अप्रैल में भी आपको यहाँ पे गर्मी होने लगेगा। यहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो आप हमेशा अपने साथ जैकेट और अपने गर्म कपड़े लेके आइए। और ये काफ़ी ये कुछ पुरानी बिल्डिंग है और जो आपको ये पेड़ देखने को मिल रहे हैं पीछे, ये आपको चीड़, देवदार और बांस के हैं। तो ये गायों के लिए भी, मतलब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ये हरी भरी घास हो जाएगी, तो उनके लिए जो गाय पालते हैं उन लोग के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर रोज़गार और जुगाड़ हो जाएगा, मतलब खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। और नहीं तो ये जो पुरानी ये बिल्डिंग है, सभी रानी खेत की पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। और एक बचपन की कुछ यादें ताज़ा करते हुए हम यहाँ पे कि बड़े हो जाते हैं। रानीखेत से हमने छोड़ दिया काफ़ी साल में या दो साल में एक बार आना होता है, लेकिन जब भी इन बिल्डिंग को, जब भी इन जगहों पे हम आते हैं, तो मतलब एक भावपूर्ण, मतलब एक दिल, मतलब रोम रोम आपका क्या कहते हैं, मतलब प्रफुल्लित हो जाता है कि मतलब आप अपने बचपन को याद करते हैं। और इधर ही, मतलब मैं यहाँ से दिख तो नहीं रहा है, इधर ही इन बिल्डिंग के पीछे मेरे स्कूल थे। यहाँ पर मिशन स्कूल कहते हैं उसको, मिशन स्कूल रानीखेत, तो वो तो इसमें आपको दिख नहीं पाएगा। लेकिन ये जो बिल्डिंग है, ये हमारे रानीखेत को ये एक, मतलब एक प्राचीन धरोहर कह सकते हैं आप रानीखेत की हैं ये सब बिल्डिंग है। और ये मौसम जो कि आपको हमेशा देखने को मिलेगा यहाँ पे, लेकिन दुर्भाग्यवश कि हम इसका हर बार इस अवसर को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हम रानीखेत में साल में डेढ़ साल में एक बार ही आना जाना होता है, तो बर्फ़ और ऐसा मौसम काफ़ी कम ही देखने को मिलता है। तो दिस टाइम वी आर थैंकफुल कि हम आए हैं यहाँ पे अप्रैल के मौसम में, अप्रैल मई में, और हमको ये देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ वाले, वैसे पहाड़ कहते हैं ना, पहाड़ की पका पानी और पहाड़ की जवानी काम नहीं आती, तो वो सही बात है। लेकिन पहाड़ का मौसम हमेशा पूरे देश के काम आता है। और ये ठंडी हवाएँ, क्योंकि आज मेरा दोस्त दिल्ली से आ रहा है, वो खुद बोल रहा था कि दिल्ली में भैया लू लग रही है, बहुत गर्मी, और यहाँ पर हम स्वेटर पहन रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या होगा कि हमको ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है जहाँ कि हमें ना एसी ना हमें पंखे की ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ पे अच्छे से रह लेते हैं, बस सिंपल लाइफस्टाइल हमारी यहाँ पे, हमारे पहाड़ की। और ये कुछ प्राचीन धरोहर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इस साइड हमारा पीछे यहाँ पे रानीखेत का गैस ऑफिस है। आपको दिख रहा होगा पीछे एक बिल्डिंग है, गैस ऑफिस है इधर, नहीं तो ये बहुत प्राचीन धरोहर। और बारिश तेज़ होते हुए यहाँ पर, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन उसका आनंद भी अपने आप में बहुत कुछ है कि आप बाहर रहते हो, कतर में इतनी बारिश नहीं होती, और शायद ही ऐसी बारिश वहाँ कतर में देखने को मिलती है। वहाँ एक घंटे में बारिश होती है और उसके बाद आपको लगेगा भी नहीं कि बहुत बारिश हुई है। तो रोडें, मतलब एक ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा
पहाड़ है तो फिर जो पानी होता है वो तराई को चले जाता है, लेकिन बहुत बढ़िया मौसम यहाँ पे। तो कभी अभी कुछ दिन हूँ मैं यहाँ पे रानीखेत में, तो मैं और मेरे मित्र जो भी हो सकेगा हम आप यहाँ पे थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे रानीखेत के जो हमारी पुरानी यादें हैं, हमारे जो हमारे स्टेडियम जो भी हमारे यहाँ पे खेल के स्थान हमारे स्टेडियम थे उनको हम दिखाएंगे, और हम बचपन में कहाँ कहाँ जाया करते थे इस रानीखेत में, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन ये मौसम काफ़ी मनोहारी है, अपने आप में बहुत मतलब मन को प्रफुल्लित कर देता, खुश कर देता है। और ध्यान रखिए आप भी अपना, और कोरोना के टाइम पर मास्क वास्क सैनिटाइज का यूज़ ज़रूर करिए, क्योंकि जो ये दूसरी लहर आई है काफ़ी घातक है। तो डोंट टेक इट लाइटली एंड टेक फुल प्रिकॉशन, एंड आई होप वी विल गेट रिड ऑफ दिस पेंडेमिक सून। तो बस अपना ध्यान रखिए, और रानीखेत का यह मनमोहक दृश्य शायद ही अगली बार हमें कभी देखने को मिले, बहुत ही मनोहारी और बिल्कुल बारिश बहुत प्यारा। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही दृश्य दिखाते रहेंगे चैनल में। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय इंडिया, गुड बाय।